मतलब सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज पता क्या है इसका यार, साइलेंसर यार, मतलब एग्जॉस्ट देखो यार कैसी लगती है। ये पूरे बाइक का लुक को ना अगर कोई ख़राब करता है तो यही करती है इसका एग्जॉस्ट। ठीक है, हाँ गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइज आज हम आए हैं आपके लिए एक 300 सीसी बहुत ही फेमस बाइक का रिव्यू करने, और उसका रिव्यू करने नहीं गाइज, उसका एक्सपीरियंस बताना है कि मैंने इसको एक साल से चलाया है, मेरी पर्सनल बाइक है, और इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है। ठीक है गाइज, तो चलो पहले आपको दिखाता हूँ कौन सी बाइक है, ठीक है, उसके बाद आप डिसाइड करना कि आप ले सकते हो या इसको नहीं ले सकते हो। ठीक है गाइज, तो आप लोग जो मेरा वीडियो देखते होंगे उनको पता ही होगा कि मेरे पास कौन सी बाइक है, बट फिर भी चलो आपको एक बार और दिखाते हैं। ये देखो गाइज, ये रही मेरी अपाची RR 310। ठीक है गाइज, ऑलमोस्ट मुझे इसको लिए हुए एक साल होने जा रहा है, 1 ईयर, और मैंने इसको जितना चलाया है मैं जितना जानता हूँ गाइज आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले देखो हर चीज़, मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती है और कुछ ना कुछ तो बुराइयाँ होती है, कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका प्रोज यानी एडवांटेजेस, उसके बाद जानेंगे कौनस। देखो कौनस तो ज़्यादा है नहीं, थोड़ी सी है, बट आपको उसको मैनेज करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो गाइज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके प्रोज से। तो यार सबसे पहली प्रोज देखो यार, इसके एडवांटेजेस, इसका लुक यार देखो, अगर आप इसको लेकर जाओगे ना, अभी गंदी हो चुकी है, थोड़ी सी गंदी है, ज़्यादा गंदी नहीं है, थोड़ी सी गंदी है क्योंकि बारिश हुई थी इसीलिए, अगर आप इसको लेकर कहीं निकलते हो ना, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो आपके पास अगर रुके तब पूछे नहीं कि भाई ये कितने की बाइक है। ठीक है, ये लगती नहीं है 3-3.5 लाख की, 3.5 लाख की बाइक आपको लगती नहीं है, जब कोई पूछता है ना उसके बाद आप बताओगे। तो देखो जो कम थोड़े थोड़े लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो बोलता है इतनी की बाइक है, और जो ज़्यादा जानते हैं बाइकों के बारे में बोले यार मतलब इतने कम में इतनी अच्छी बाइक। सबसे बड़ी बात यह है गाइज, इसको अटेंशन बहुत मिलता है, लोग देखते बहुत हैं। ठीक है, और आपको चलाने में भी मज़ा आएगा। दूसरी इसके एडवांटेजेस गाइज, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये देखो ये हर चीज़ में चेंज होता है, इसमें आपको 4 राइडिंग मोड मिलते हैं। ठीक है, और 6 गियर बॉक्स मिलता है गाइस आपके पास, उसके पास इसमें आपको मिलेगा स्लीपर क्लच मिलता है। तो चलो यार 4 राइडिंग मोड पहले देखते हैं, ये देखो पहला ये अर्बन मोड है। ठीक है गाइस, उसके बाद ये देखो चेंज हो गया रेन मोड, और हर मोड में आपका डिस्प्ले का कलर चेंज होते जाएगा। ये देखो गाइस, ये रही आपकी स्पोर्ट्स मोड, ठीक है, और ये रही ट्रैक मोड। ठीक है, देख रहे हो, तो चलो पहले आपको इसका डिस्प्ले भी करके दिखा देते कि ये कैसे कैसे डिस्प्ले करता है रैप करने के बाद। ठीक है, तो गाइज ये अभी अपनी इसको न्यूट्रल करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। ये न्यूट्रल ब्लिंक नहीं कर रहा है, आपके वीडियो में दिख रहा होगा कि ब्लिंक कर रहा है, लेकिन सामने से ब्लिंक नहीं कर रहा है। ये देखो जब इसको हम थ्रोटल देंगे तो ये कैसे मूव करेगा। ठीक है, देख रहा हूँ, साउंड भी सुनाते हैं गाइस, अभी रुक जाओ, पहले ये देख लो। अब देखो यहाँ से चेंज करते हैं हम रेन मोड में, और देखिए ये ब्लू हो चुका है, ये देखो अब आते हैं गाइस स्पोर्ट्स मोड में, ये देखो आ गए स्पोर्ट्स मोड में। अब देखो यहाँ इंजन कूल टेम्परेचर आ रहा है, कूलेंट का टेम्परेचर आ रहा है, और आपको ये फ्यूल आएगा, और बीच में देखना यहाँ गियर आएगा, रैप देखना जब हम करेंगे तब कहाँ आएगा, देखना, देख रहे हो, देख रहे हो, और यहाँ पे आपका स्पीड आएगा। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम, ये लो ट्रैक मोड में सेम टू सेम आता है, बट गियरिंग यहाँ पे आती है। ठीक है, देखो बंद करते हैं, उससे पहले साउंड सुनते हैं गाइस। ठीक है, साउंड सुना दो मैं आपको, गाइस देखो जितना हाई आरपीएम पर आप इसको चलाओगे उतना ही मस्त साउंड करती है। ठीक है, तो चलो इसको बंद करते हैं, और इसका स्विच देख लो गाइस, अच्छी लगती है। ठीक है,
और अब इसको करते हैं गाइस हम थोड़ा अर्बन मोड पे कर दे, क्योंकि हम अर्बन मोड पे ही चलाते हैं ज़्यादातर। अब आगे चलते हैं यार, इसकी तीसरी एडवांटेजेस ये सामने से देखो गाइस, लाइट इसमें कहीं पे भी आपको हैलोजन नहीं मिलेगा, सब कुछ एलईडी मिलेगा, ठीक है। और ये लो बीम है, रात को दिखाऊंगा कभी मैं आपको कि हाई बीम में कैसी दिखती है। नाइट का थ्रो इसका बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद ये इंडिकेटर देख लो गाइस, ये आगे और पीछे सब आपको एलईडी ही मिलेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें एक चीज़ है यार, इसका इंडिकेटर का हज़ार्ड लाइट, ये देखो मैंने ऑन किया, चारों जल रही है, दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो सामने वाली और आपको बैक वाली मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो जल रही है। अभी चाबी ऑन है, चाबी लगाया हुआ है, गाड़ी ऑन है, अब ऑफ करते हैं। लो बंद कर दिए, निकल जा भाई, लॉक कर दिए। उसके बाद भी देखना आप, जल रही होगी, की देखो मेरे हाथ में है, देख रहे हो अपनी बाइक की मेरे हाथ में है, उसके बाद भी ये जल रही है। फ्रंट वाली देख लीजिए, अब आप बैक वाली देखो। बाई चांस इमरजेंसी में अगर आपको कभी बाइक लगाना हो तो आप चारों लाइट ऑन करके चाबी अपने की अपने हाथ में रख कर और इसको ऑन किए छोड़ सकते हो, ये जलती रहेगी। ऐसे हम लोग बाइक में जाकर मॉडिफिकेशन कराते हैं कि चारों इंडिकेटर जले, आगे पीछे फ्रंट और बैक का चारों इंडिकेटर जले, लेकिन इसमें इनबिल्ड है, कंपनी द्वारा ही दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपको चौथी या पांचवी एडवांटेजेस, आपको अंडर पावर कभी फील नहीं होगी, आप इसको जितना रेव करोगे ना उतना ही मज़ा देगी, ठीक है। और भागती ज़बरदस्त है गाइस, इसमें कोई डाउट नहीं है, थोड़ा आप कंट्रोल करके चलाना, ठीक है। अब आते हैं गाइस इसके टायर पे, ये देखो फ्रंट वाली टायर, ठीक है, 17 इंच का आता है गाइस एलॉय इसका, और पीछे वाली कितने की आती है गाइस, उतना तो हम, पीछे वाली भी 17 की आती है, ठीक है। बट इसका थिकनेस देखो गाइस, इसमें फ्रंट और बैक पे दोनों साइड मिशलिन का रोड टायर यूज किया हुआ है, ठीक है। और इसका ग्रिप ज़बरदस्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पांचवी और छठी जो भी हो, मुझे नंबर नहीं याद है, इसका पीछे वाला सस्पेंशन यार एडजस्टेबल आता है, ठीक है। ये रिवर्स इंक्लाइन इंजन है गाइस, मैक्सिमम गाड़ियों में आप देखोगे कि सामने से ऐसे होकर आती है, ठीक है, आपका एग्जॉस्ट का जो पाइप होता है वो ऐसे आती है, लेकिन इसमें देखो यार ये बैक से आई हुई है, यहाँ से ही, ठीक है। लिक्विड कूल इंजन के साथ आता है गाइस, ठीक है। और एडवांटेजेस क्या बताएं यार, बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। ब्रेकिंग भी इसका ज़बरदस्त है, भगाने में भी मस्त लगती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसके बाद इसका अप्स एंड डाउन फॉक्स आता है गोल्डन कलर में, दिख रहा है, देख रहे हो, मस्त लगती है ये। तो गाइस एडवांटेजेस हो गई, अब कुछ डिसएडवांटेजेस है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। थोड़ी स्विच को बंद कर देते हैं यार, वरना बैटरी डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस यही है गाइस कि ये मिरर, जैसे आप 100 क्रॉस करोगे या 90 प्लस जाओगे, ये वाइब्रेट करती है और आपको दिखना बंद हो जाएगा आपके बैक साइड का, ठीक है, पीछे से कौन गाड़ी आ रही है, कौन बाइक आ रही है, आप नहीं देख पाओगे। उसके बाद 100 और 120 के बाद ये वाइब्रेट करता है यार, थोड़ी सी इसमें वाइब्रेशन है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, माइनर वाइब्रेशन है, ठीक है। उसके बाद यार ये की यार, कम से कम थोड़ा स्टाइलिश की देते तो और अच्छा होता। और सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज पता है क्या है, इसका यार साइलेंसर यार, मतलब एग्जॉस्ट देखो यार कैसी लगती है, ये पूरे बाइक का लुक को ना अगर कोई ख़राब करता है तो यही करती है इसका एग्जॉस्ट, ठीक है। हम चेंज भी नहीं करा सकते यार, फाइन लगती है, इसलिए हम चेंज नहीं करा रहे हैं, ठीक है। अभी तो उतना बजट नहीं है अपने पास कि हम फाइन भरते चले और बाइक चलाते चले, ठीक है। ये तीन चार एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो गई। और एक और डिसएडवांटेजेस यार, इसमें क्विक शिफ्टर दे देते तो मज़ा आ जाता यार। देखो R15 में क्विक शिफ्टर आने लगी है, जो 150 cc की बाइक है, और ये 300 cc की बाइक, इसमें क्विक शिफ्टर नहीं आती, मुझे समझ में नहीं आता है क्यों। सामने से एक और, ये जो मैंने दिख रहा ना मेरा ब्लैक, ये वाइट आती है, ठीक है। और जब बारिश या आप इसको बाइक को अपने साफ करवाओगे ना, तो इसमें पानी का दाग आता है, वाटर का दाग आएगा, जो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इसको ब्लैक कराया। उसके बाद यार इसका बैक सीट, इस पर अगर पिलियन को 40 से 50 किलोमीटर का बैठा कर ले जाते हो तो उसको पेन होना, फुट में बहुत पेन होना चालू हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसका देखो यार पकड़ने के लिए भी नहीं है, आप यहाँ पे ऐसे पकड़ते हो, यहाँ पे ऐसे बैठते हो, आपका पैर ऐसे आता है, उसके बाद आप ऐसे पकड़ते हो ना, और हाथ में भी दर्द होता है, ऐसे पकड़ते हैं हम लोग, ठीक है।
हाथ में भी दर्द होता है और पैर में तो दर्द होता ही है गाइस, ठीक है। बाकी सब और इसमें यार क्विक शिफ्टर ऑटो क्लिपर नहीं आता, वो ऑटो क्लिपर छोड़ दो यार, कम से कम क्विक शिफ्टर तो देना चाहिए। R15 155 सीसी में यार क्विक शिफ्टर आ रहा है, ठीक है। अगर इसमें आफ्टर मार्केट क्विक शिफ्टर लग जाए या कंपनी ऐसा सिस्टम बना दे कि हाँ भाई न्यू लॉन्च हो जो भी RR नेक्स्ट जनरेशन और उसमें क्विक शिफ्टर आ जाए, आफ्टर मार्केट अगर उसमें लग सकता है तो गाइस मैं तो पक्का 100% लगाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। कुछ ऐसे दो चार डिसएडवांटेजेस, उससे ज़्यादा मुझे इसमें डिसएडवांटेज नहीं लगे। बाइक बहुत ही अच्छी है, चलने में भी मस्त है, आपको कभी अंडर पावर फील नहीं होगा। देखो मेन कंक्लूजन इस चीज़ का आता है कि बाइक थोड़ी सी एडवांटेजेस तो बहुत सारी है, कुछ डिसएडवांटेजेस है अगर उसको सुधार दे अगर कंपनी तो आई थिंक 300 cc में एक वन ऑफ द बेस्ट बाइक है और रहेगी भी, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसमें एक और चीज़ है, ठीक है। ये देखो इसका साइड स्टैंड अगर आपका गिरा हुआ है तो आप नहीं चला सकते, मैक्सिमम सारी बाइकों में आ चुकी है और इसमें भी है, ठीक है। तो गाइस अब कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या हमें इसको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर आपकी बजट है, अगर आप चाहते हो कि आपको लोग पूछे रोड पे कि भाई कौन सी बाइक है इतनी अच्छी है, अगर आपको पसंद नहीं है कि हाँ मुझे लोग कहीं पूछे तो मत लेना। अगर आपको पसंद है कि लोग पूछे आपकी तरफ अटेंशन ज़्यादा हो तो आप इसको ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बल्कि फील होती है मस्त। कभी चलाकर देखना, अगर नहीं हो तो किसी कभी राइड करना, टेस्ट राइड लेकर देखना। अगर बाइक लेने जा रहे हो 300 cc की, अगर 300,000 प्लस बजट है तो एक बार इसके तरफ ज़रूर जाना, ठीक है, मैं यही कहूँगा। बाय द वे बाइक बहुत ही अच्छी है, मैं जहाँ तक बता रहा हूँ आपके एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट मुझे 1 ईयर होने जा रहा है इसको चलाते हुए और बाइक बहुत अच्छी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है गाइस। तो आप अपनी राय बताना कि आपको कैसी लगती है RR 310। और ये देखो सामने से एक बार और देख लो यार, सामने बैक और इसमें कोई ना छोटी बाइक नहीं लगती, ठीक है। जैसे MT हो गई, ये सब छोटी बाइक लगती है यार, KTM, ड्यूक, ये सब छोटी लगती है, लेकिन इसमें देखो, और नई वाली ड्यूक तो और छोटी और कम्पैक्ट कर दी गई है, लेकिन ये बल्कि लगती है यार, फुल्ली स्पोर्ट्स की तरह लगती है, ठीक है। आपको देख कर नहीं लगेगा कि ये 300 cc की बाइक है, ठीक है गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना गाइस, हम और आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे। और अपना प्लान है कि हम 1 मार्च से ब्लॉगिंग करें, क्योंकि अपना मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है कि अपना लॉन्ग टूर आने वाला है, अपने बाइक से ही जाएंगे हम, कहाँ जाएंगे अभी मैं रिवील नहीं करूँगा, ठीक है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना और बताना कि आपको कौन सी बाइक की रिव्यू चाहिए। अगर पॉसिबल मे भी पॉसिबल मेरे पास हुआ तो मैं आपको उसका रिव्यू ज़रूर ला कर दूँगा, ठीक है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और ड्राइव सेफ एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, बाय बाय।